हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप डिस्कशन करेंगे इंक्लूडिंग ट्रेड डिटेल्स। एंड पहले हम ट्रेड डिटेल्स देखेंगे एंड ट्रेड डिटेल्स पे हम ये देखेंगे कि हम कितना कैपिटल डेप्लॉय किया, ट्रेड पे हम कितना कैपिटल डेप्लॉय किया एंड कैपिटल में से हम कितना रिटर्न जेनरेट किया, परसेंटेज टर्म में हम कितना प्रॉफिट या लॉस जेनरेट किया वो देखेंगे, कितना क्वांटिटी पे ट्रेड किया, कितने दिन तक हम पोजीशन को होल्ड किया, होल्डिंग पीरियड क्या था, होल्डिंग ड्यूरेशन क्या था वो देखेंगे, बाइंग सेलिंग प्राइस क्या था वो डिटेल पे हम देखेंगे, पीएनएल पे जाके हम डिटेल चेक करेंगे। सेकंड हम सेटअप डिस्कशन करेंगे। सेटअप बहुत ही सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा एंड सेटअप पे हम ये देखेंगे कि हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ पे थे, स्टॉप लॉस कहाँ पे थे, टारगेट कहाँ तक था, हमने कितना रिस्क टू डू एट मेंटेन किया, डिटेल हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए पहले हम ट्रेड डिटेल्स देखते हैं एंड इसके लिए डायरेक्टली हम पीएनएल पे आ गए। यहाँ पे हम इक्विटी सेलेक्ट करेंगे, पीएनएल हमारा रियलाइज रहेगा एंड हमने ये ट्रेड से 20 अप्रैल को हमने एग्जिट किया था, तो यहाँ पे हम डेट 20 तारीख का सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड डिटेल्स आ गया। तो देखिए यहाँ पे हमारा नीचे ट्रेड डिटेल्स दिखेगा आपको। यहाँ पे देखिए 6.7% का हमने प्रॉफिट जनरेट किया एंड कैपिटल डेप्लॉय हुआ था, देखिए 17,000 के आसपास कैपिटल डेप्लॉय हुआ था, क्वांटिटी था 16 क्वांटिटी से हमने ट्रेड लिया था, स्टॉक था यहाँ पे आप देख पाएंगे एंड हमने देखिए इसमें 7% का रिटर्न जनरेट किया एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे ड्यूरेशन, यहाँ पे देख पाएंगे, व्यू ब्रेक डाउन करता हूँ मैं। तो देखिए हमने 6 अप्रैल को हमने पोजिशन बिल्ड किया था, तो लगभग 15 दिन के आसपास हमारा होल्डिंग था एंड हमने 20 तारीख को पोजीशन से एग्जिट किया, तो लगभग 15 डेज में, मतलब 14 to 15 डेज में हमने 7% का रिटर्न जनरेट किया। आप प्रॉफिट अमाउंट पे मत जाइए, अमाउंट तो बहुत ही छोटा अमाउंट है, बट अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो परसेंटेज टर्म में ये प्रॉफिट छोटा नहीं है, ठीक ठाक प्रॉफिट है एंड यहाँ पे आप चार्जेस भी देख पाएंगे, 75 रुपीज़ के आसपास हमारा चार्जेस लग गया, ब्रोकरेज तो ऑलमोस्ट जीरो ही रहता है, होल्डिंग पे ऑलमोस्ट जीरो रहता है ब्रोकरेज, 64 रुपीज़ के आसपास हमारा एसटीटी लग गया एंड बाकी आप यहाँ पे अदर चार्जेस वगैरह यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम सेटअप डिस्कशन करते हैं एंड सेटअप के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम का रेफरेंस लिया था, वीकली चार्ट का हम रेफरेंस लिया एंड एंट्री एग्जिट के लिए हम डेली टाइम फ्रेम का रेफरेंस लिया। तो पहले हम सेटअप देख लेंगे, बाद में हम एंट्री एग्जिट डिस्कशन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चार्ट जो है, ये स्टॉक जो है वीकली टाइम फ्रेम पे एक डाउन ट्रेंड में था, क्लियरली डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे एक रेंज फॉर्मेशन किया था, यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स टाइप फॉर्मेशन किया था, रेंज फॉर्मेशन किया था, बाद में फिर ये रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे भी देखिए एक रेंज फॉर्मेशन किया था, यहाँ पे देखिए एक रेंज फॉर्मेशन किया, बाद में ये रेंज का भी ब्रेकडाउन हुआ एंड नीचे से देखिए अब यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन किया था वीकली टाइम फ्रेम पे एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हुआ, डब्लू पैटर्न या डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ था। तो ये ब्रेकआउट पे हमने स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन बनाया था, एंट्री एग्जिट कहाँ पे थे वो हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं एंड डेली टाइम फ्रेम पे हम एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे थे वो देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे टाइम फ्रेम स्विच करते हैं, तो यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम चार्ट आ गया। तो जैसे हमने सेटअप पे डिस्कशन किया, जैसे हमारा ब्रेकआउट हुआ वो टाइम पे हमारा एंट्री था एंड एंट्री था हमारा ये लेवल पे 1080 के आसपास हमारा एंट्री लेवल था, 1080 के आसपास हमारा एंट्री लेवल था, ये लेवल पे हमारा एंट्री था एंड स्टॉप लॉस था फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस था हमारा, ये जो रेंज फॉर्मेशन किया था ये रेंज के जस्ट नीचे हमारा स्टॉप लॉस था, 1050 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस था, जस्ट नीचे हमारा स्टॉप लॉस था, 1050 के जस्ट नीचे हमारा स्टॉप लॉस था एंड हमने लॉजिकल टारगेट रखा था ये लेवल तक, 1200 के आसपास हमने टारगेट रखा था, 1200 के आसपास हमने टारगेट रखा था, प्राइस वो लेवल पे गया भी था बट वहाँ से फिर शार्प सेलिंग आया तो हमने वो लेवल पे प्रॉफिट बुक कर नहीं पाया, तो हमने प्रॉफिट बुक किया
1155 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया, 1155 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया। तो अगर आप रिस्क टू रिवार्ड देखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस था 30 पॉइंट का, हमारा स्टॉप लॉस था एंड हमने प्रॉफिट बुकिंग किया अराउंड 75 पॉइंट का, हमने प्रॉफिट बुकिंग किया। यहाँ से भी आप देख पाएंगे, तो अगर हम ये मेजर करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगभग लगभग देखिए 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होता है एंड टारगेट जो हमने बुक किया ये लेवल पे हमने प्रॉफिट बुकिंग किया तो 75 पॉइंट का हमने प्रॉफिट बुकिंग किया। तो मोर देन 1:2 हमने रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन किया, 1:2 के आसपास हमने प्रॉफिट बुकिंग किया। तो फ्रेंड्स जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया तो वो हिसाब से हमने ऑलमोस्ट सभी पॉइंट कवर किया। तो देखिए फ्रेंड्स सेटअप भी बहुत ही सिंपल था, ये डब्लू पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न आप बोल सकते हैं एंड ये रिवर्सल पैटर्न रहता है। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो ये रिवर्सल पैटर्न रहता है, जैसे अप ट्रेंड में जाता है तो मार्केट फिर एक डब्लू पैटर्न बना के ट्रेंड रिवर्स करता है। तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, सिंपल सेटअप था एंड आप प्रॉफिट अमाउंट पे मत जाइए, आप अगर बिगिनर्स है तो प्रॉफिट पे मत जाइए, आप रिस्क टू रिवार्ड ये सब पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, कैसे रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन करते, स्टॉप लॉस कैसे अप्लाई करते, टारगेट कैसे रखते, तो वो सब पॉइंट पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।